क्यों जरूरत है मोबाइल, क्यों जरूरत है इसके बिना, इसके भी इसके नहीं, इसके बिना मोबाइल नहीं चलती थी। आप मोबाइल नहीं रखे हुए हो, महंगाई है ना, आप मोबाइल नहीं रखे हुए हो। कांग्रेस चोर है, परिवार है, कौन परिवार में नहीं है, परिवार सब में है, है ना, सब में, तो उसको कैसे कैसे अंदर कर लेता है। एक राम मंदिर जो इतने वर्षों से 500 वर्षों से मुद्दा फंसा हुआ था, नेता क्या करता है, नेता नेता किसी का नहीं होता। कांग्रेस की आप लोग विचारधारा रख रहे हैं तो उसको जमीन दो जो चुका, कभी नहीं उभरेगी, अब कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं था। जी हाँ, कम से कम 20 साल उनको भी और बैक रहना है। ठीक है, 420 रुपए सिलेंडर गैस का दाम था, 1200 रुपया हो गया, 200 घटा दिए। तो इलेक्शन आया तो घटवे ही करेगा, इलेक्शन आया तो घटवे ही करेगा। ठीक है, नेता क्या किया, भाजपा आया, 500 साल पुराना मुद्दा जब एक मुद्दा सॉल्व करता है तो आपको इस बात पे आपत्ति है कि क्यों सॉल्व कर दिया, काहे नहीं होगा आपत्ति, एक पॉलिटिकल मुद्दा हट गया भाई, लड़ेंगे किस पे। अच्छा, ये देश संविधान से चल रहा है कि राम मंदिर से चल रहा है? देश संविधान से चल रहा है। तो अभी कुछ बाबा है जो बोल रहे हैं कि चांद को राम मंदिर घोषित कर देना चाहिए? अरे नहीं, सुनिए, जिनको जिनको ज्ञान नहीं है, सुनिए, जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग बोलते हैं, दोनों साइड से लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग इधर से नहीं बोल रहे उधर से नहीं बोल रहे। ठीक है, आपत्ति जताना है, आपत्ति जताना है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल सही बात है, लोग का कहना है तो बीजेपी वही करना है, तो दोनों तरफ लोग का तो वही कहना है। आस्था पर राजनीति नहीं करना चाहिए, सीधा बात, हम सरकार अगर, सरकार अगर चाहिए ना, सरकार जो यहाँ सरकार ना 70% राजनीति हिंदू मुस्लिम पे करता है और यही करेगा। अब ठीक है, तो उसका काम है वही है। तो सुनिए, आप मेजोरिटी में है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मतलब अपने सीट से है, उसको मतलब अपने सीट से क्या है, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, सुनिए बात, नीतीश कुमार बैठे रैली में आके या कुछ भी आके खड़े, बिहार का लिटरेसी रेट 62-61% रहता है। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, जो जो व्यक्ति ना पढ़ सके, लिख सके, बोल सके, पढ़ी चीजें अच्छे से लिख बोल सके ना, वो भी बिहार का सबसे कम है। काहे कम है भाई, जब शुरुआत से पढ़ाई, बिहार कहाँ था, मगध नाम से जाना जाता था, ब्यास नदी जो हरियाणा में बहता है वहां से लेकर कलिंग तक सब बिहार था। ठीक है, हम इतिहास में जा रहे हैं, बात आप बोलेंगे अभी की बात कीजिए, अरे भैया समृद्ध था, चाणक्य यहाँ के, सब कुछ यहाँ के भाई, मगध इतना बड़ा साम्राज्य, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई, चाणक्य के जमाने में वो खुद बोलते हैं कि मगध के पास, मगध में चलते हैं जब सिकंदर का हमला हुआ, कि मगध में चलते हैं, वहां पे ना पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं हैं, बाकी दुनिया से लोग अच्छे हैं वहां पे, समझदार हैं। ठीक है, तो बिहार का स्थिति परिस्थिति कौन खराब कर दिया, हम खराब किया, जो नेता बनेगा उसका काम है, हम अपने हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल नहीं, एक बात बोल रहे हैं, अभी जो आप इतना हिस्टोरी बता रहे हैं ना, तो मोदी जी का भी है ना, 9 साल से है ना, 9 साल पहले हिस्ट्री बताइए, नहीं नहीं नहीं, आप इधर कैमरा सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, इधर आइए, अरे सुनिए, एक मिनट एक मिनट, ये बोल रहे हैं ना कि, अरे सुनिए सुनिए, एक बात एक बात एक बात, 2014 में सरकार बदला, सरकार बदलने से पहले कांग्रेस एक बिल लाने वाली थी, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, सुनिए, बिल लाने वाली थी कि जिस देश में, भारत में, कि जहां पे भी कॉम्युनल दंगा होगा, किसी प्रकार का दंगा होगा, वहां पे मेजोरिटी वाली जनता को, मेजोरिटी वाले लोगों को ही कल्प्रिट माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो क्या ये राजनीति आप लोग को नहीं लगा उस वक्त कि भैया ये भी तो उस पर चल रहा है, मेजोरिटी माइनॉरिटी पे चल रहा है, वो जाति को क्या, धर्म को क्या नाम, मेजोरिटी माइनॉरिटी में कर दिया। ठीक है, पहली बात भाई, हम भारत में रह रहे हैं, भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब है। ठीक है, मैं जहाँ रहता हूँ पर्सनली, वहाँ पे मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहाँ पे लोग रहते हैं, सब ठीक से रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सरकार गवर्नमेंट पॉलिटिक्स कर रही है भैया, वो जो चीज़ें कर रही है ना, वो इसलिए कर रही है, क्या है कि अपना बेनिफिट सबको देखना है। और रही बात, आप बात करते हैं हर चीज़, दोनों पहलू पर बात कीजिए, एक पहलू पर मत बात कीजिए, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। ठीक है, रहा बात कि मोदी जी ना, कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो भैया मोदी जी वही कर रहे हैं ना जो भारत के भविष्य के लिए सही है। आज का आप देखेंगे ना, बोलते हैं बच्चे वैकेंसी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, अरे भाई साहब रेलवे का वैकेंसी आप बात कर रहे हो, यहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मार मार के टांग तोड़ दे रहा, पूरा विपक्षी तो गठबंधन कर रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए, तो मोदी जी तो अकेले इस बार तो बाहर जाएंगे। ठीक है, वो गठबंधन करने, सुनिए, गठबंधन करने के बाद अगर 300 सीट प्लस आ जाता है ना, तो गठबंधन छोड़िए ना, उनको दो बार रही बात मोदी जी को हटाने के लिए, मोदी जी हटेंगे, परिवर्तन आए, अरे परिवर्तन आएगा, मोदी जी जाएंगे तो परिवर्तन आएगा, परिवर्तन परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन आएगा, चेंज चेंज के हिसाब से राहुल गांधी नहीं आना चाहिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी में आप एक क्वालिटी बता दीजिए जो प्रधानमंत्री, ठीक है, बताइए राहुल गांधी में क्वालिटी है कि नहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए,
नहीं है। इधर कोई बोल रहा है, बोलते हैं खेत में ऐसा मशीन लगा देंगे कि मतलब फसल का जगह आलू आलू उगलेगा, बोलते हैं ये कैसे होगा, बोले खुद सोना निकलेगा बोलते हैं वो। अच्छा, उनके अंदर बहुत है। तो मोदी जी भी बहुत झूठ बोले। मोदी जी ने नहीं सके। सुनिए एक सेकंड सुनिए, मैं भी इलाहाबाद से हूँ, आनंद भवन हमारे घर की दूरी मात्र आधा किलोमीटर, और मादर जो उसको तो बना ही नहीं पा तो क्या देश को बनाएंगे। एक छोटा सा क्लिप नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ना कांग्रेस के मतलब कि क्या ही के लिए आने चाहिए, कांग्रेस हम लोग इसलिए चाहते हैं ना लाने के लिए कि कांग्रेस में मतलब कि हर एक चीज है ना सस्ता। अभी डीजल और पेट्रोल का रेट कितना है हुआ है, 100 प्लस है ना, 109 है। उसके उसके मतलब उस इसमें कित कैसे था बताइए आप, उसका तो उसके समय में पैसा भी तो सैलरी भी तो कम था क्या? थोड़ा सा भारत के भारत ज्यादा बढ़ा है, ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है तो सैलरी भी तो बढ़ा। ठीक है, 420 रुपए सिलेंडर गैस का दाम था, 1200 रुपया हो गया, 200 घटा दिए। तो इलेक्शन आया तो घटबे ही करेगा, इलेक्शन आया तो घटबे ही करेगा, 200 घट गया। पहले तो ये 420 में से सब्सिडी आता था, बैंक अकाउंट में पैसा आता था, वो कहाँ गया फिर? इलेक्शन आने वाला, इलेक्शन वो तो इलेक्शन हो सके ना तो फ्री में ही बंटवा देगा, क्या की इलेक्शन है भैया। आपसे 5000 रुपया लेके, आपसे 5000 हम लोग को यही लगी चाहिए कांग्रेस। कांग्रेस हाँ, इस बार कांग्रेस आएगा हम लोग का जैसे कि सपोर्ट है कांग्रेस, आए नहीं आए वो तो अब जनता पे डिपेंड है। ठीक है ना, जनता आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस 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 भाई, बीजेपी बीजेपी देखिए एक बीजेपी है, यहाँ भी एक बीजेपी है। बताइए भैया बात कर रहे थे, देखिए कांग्रेस के आप लोग विचारधारा रख रहे हैं तो उसको जमीन दो जो चुका कभी नहीं उभरेगी, अब कभी नहीं, कभी नहीं लाइफ में कभी नहीं। जी हाँ, कम से कम 20 साल उनको भी और बैक रहना है। अच्छा, मुद्दा क्या चल रहा है, मेन किस मेन चल रहा है, 24 में कौन आ रहा है, किस वजह से है? किस रीजन की वजह से 24 में कौन मोदी जी आएंगे, आएंगे राहुल गांधी, ये कांग्रेस ला रहे हैं ना, कांग्रेस किस वजह से ला रहे हैं, वही तो आप बताएंगे ना किस वजह से, इनसे पूछिए ना किस आप किस वजह से हटाना चाह रहे हैं। आप मेन बेरोजगारी मुद्दा उठाए, महंगाई मुद्दा उठाए, भैया इधर आइए महंगाई का बताता हूँ मैं आपको। हाँ सही बोल रहे हैं आप, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पढ़ते हो कभी? नहीं पढ़ते हो, पढ़िए पहले। मेरा भाई कनाडा रहता है, 2 साल पहले गया था, $3 का एक तेल आता था, पहले $60 का हो चुका है। पूरी दुनिया में महंगाई है ना कि इंडिया में महंगाई है, पहले पढ़िए आप समझ रहे। और बेरोजगार, अरे मेरी बात सुनिए ना, बात सुनिए, बात सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे बेरोजगारी की बात कर रहे थे आप, बेरोजगारी की बात कर रहे थे। कच्चा तेल का कीमत नहीं बढ़ा है, 34 रुपया है, कच्चा तेल कीमत नहीं बढ़ा है, महंगाई नहीं, घर के तेल की बात, अब घर के तेल की बात कर रहा हूँ मैं, पहले अब बात महंगाई आसमान छू जाएगा। सुनिएगा ना बात, बात सुनिए ना, बीजेपी आएगा इंडिया आएगा, छोड़िए देखिए मेरे भैया यार, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, बेरोजगारी किस तरह हटेगी आप भी बता दीजिए, सरकारी नौकरी से, सरकारी नौकरी से, मेरी बात बताइए किस वजह से। अभी सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन सा स्टेट है बता आपको, बताइए हरियाणा, गूगल करके देखिए, हरियाणा में नंबर वन, सबसे नंबर वन GDP किसका है पता आपको, हरियाणा का ही। कांग्रेस को कहता है चोर है तो सब चोरबे को तो मान ले रहा है, फिर काहे नहीं उसको काहे भरता है। कांग्रेस को कहता है कि कांग्रेस चोर है, परिवार है, कौन परिवार में नहीं है, परिवार सब में है ना, सब में, तो उसको कैसे कैसे अंदर कर लेता है ये जो है। हाँ ठीक था, चोर हो गया इनके साथ है तो साथ हो गया, बाकी बाहर गया तो चोर हो गया, चोर हो गया। बीजेपी का कहना है तो चोर कोई है ये नहीं है, बीजेपी से बड़ा, हाँ बीजेपी से बड़ा कोई चोर नहीं है। चल रहा है ना कि मोदी जी नहीं चला रहे हैं देश को, ये अडानी और अंबानी मिलकर चला रहा है देश को, ये बात याद रखिएगा ठीक है ना, अडानी और अंबानी 1.5 GB ना यूज करते हैं जियो भैया, नहीं भैया जियो नहीं यूज करते, नहीं नहीं चाहिए हमको, हमको नहीं चाहिए, हमें तो रोज कर अंबानी अडानी का बात का काम है मोदी से, सुनिए सुनिए मोदी का नहीं है जो 300 रुपए, सुनिए 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 एक मिनट, नीलम अडानी बोले बोले एक एक करके बोले एक एक करके, अभी जियो मोदी का नहीं है, अडानी के पोर्ट पे से ऐसे ही ट्रक से इतना चला गया, अभी एक एक मिनट के लिए आपका यूट्यूब चैनल है जी, कितने सब्सक्राइबर है अभी आप, है कुछ पैसा तो आ ही रहे ना आपका, कमा रहे हो ना, किसकी वजह से कमा रहे हो,
जब नेट फ्री ना होता अगर 2014 से पहले तो कोई यूट्यूब पे हाथ धर सकता था इसमें से? नहीं थी यूट्यूब चलाने की। मेरी बात सुनिए, पहले ग्लोबलाइजेशन हुआ है, नेट आया है, ठीक है, सुनिए ना, इनडायरेक्टली जॉब मिला है ना, कितने यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं, कितने कैमरामैन, लेकिन अडानी जी का हुआ, ये रोजगारी हुआ ना, रोजगार तो खुद का पैसा लगा कर रहे हैं ना। अरे तो नेट तो डाटा का पैसा ले रहे हैं, तो नेट फ्री नहीं होता तो कौन देता रोजगार? वोटिंग करवाया जाए, वो वोटिंग जो है बैलेट पेपर से करवाया जाए, ठीक है, बैलेट पेपर विल गिव द एप्रोप्रिएट। मोदी जी है अभी तो मनी की बात कर रहे थे ना, ये आप इधर हम कर रहे हैं, किसने अभी जितना यूट्यूब मोदी जी का हुआ कि नहीं बना पाए? एक मिनट, कांग्रेस के राज में पहले कौन खुश थे, डिफेंस में या जो इंसान अगर विदेश दौरा करते थे तो मनमोहन सिंह उस समय हाथ पीछे करके रहते थे, और आज और 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 आज और आज बीजेपी के मोदी जी जो हैं कहीं भी जाते हैं तो वो सबसे आगे, वो सबसे आगे रहते। एक मिनट, वो सबसे आगे रहते थे, ठीक है, एक मिनट। कांग्रेस के राज में 5 काम आप बताइए। कांग्रेस के राज में पुरानी पेंशन योजना लागू था, ठीक है, 5 काम बताइए, 5 काम बताइए, आर्मी का 16 साल का नौकरी था, ठीक है, कांग्रेस के राज के 5 कांग्रेस के राज में सरकार में पेंशन खा गया जाएगा ना, 5 वो आप कांग्रेस के राज में 5 काम बताइए, बताइए ना, आर्मी का नौकरी, सेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सिम बेच दिया, जियो के बढ़ावा दे रहा है, जो गया जाने का जो है ट्रेन किराया कितना था, अभी यहाँ से कटवाइए 65 रुपया लगेगा किराया यहाँ जाने का। सर समय के अनुसार यही खाली है, समय के अनुसार सिर्फ ये नहीं है कि आप एक चीज में बढ़ोतरी कीजिएगा। एक बात बताइए, आज हर एक बच्चे के पास 15,000 का मोबाइल है, आपका आप सस्ता, आप महंगाई है कि सस्ताई है ये बताइए। आप अपने बच्चे को 15,000 का मोबाइल दे रहे हैं तो महंगाई है या सस्ताई है ये बताइए। अगर अगर आपके पास पैकेट में 15,000 का बच्चे को मोबाइल दे सकते हैं, एक मिनट, आपने क्या क्यों जरूरत है मोबाइल, क्यों जरूरत है? इसके बिना मोबाइल नहीं चलती थी। आप मोबाइल नहीं रखे हुए हो, महंगाई है ना, आप मोबाइल नहीं रखे हुए हो, ये आपकी प्रॉब्लम ना है कि 15,000 का मोबाइल लिए हुए हैं। आज जो है, एक मिनट, आप छोटे फोन से भी तो चला सकते हैं, तो आप कहोगे कि महंगाई हो गया। एक मिनट, आप 175 रुपया के 100 रुपया का रिचार्ज से भी काम कर सकते हो। एक मिनट, हम बीजेपी के सरकार में 200 रुपया का तेल, एक मिनट, अच्छा एक बात बताओ, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ किसकी सरकार है ये बताओ, किसका बिहार में किसकी सरकार है? नीतीश का किस में? नीतीश है, गठबंधन है, आरजेडी है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कांग्रेस।